नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। इंडियन आर्मी में धर्मगुरुओं की निकली वैकेंसी, पंडित मौलवी ग्रंथी और पादरी के पदों पर होगी भर्ती, 6 नवंबर तक करें अप्लाई। हिमाचल के कुल्लू के ईशानी जम्बाला ने रचा इतिहास, 7200 मीटर ऊंचे माउंट चो ओयू पीक को किया फतेह, दुनिया की बनी पहली महिला। गूगल पर 936.44 करोड़ का जुर्माना, आईसीसीआई के दूसरे जुर्माने पर कंपनी ने कहा, लो कॉस्ट मॉडल ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी। केजरीवाल का सुझाव, करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो, दिल्ली सीएम बोले, दोनों का आशीर्वाद रहा तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। बड़ी साजिश रच रहा था, कार ब्लास्ट में मारा गया तमिलनाडु के कोयंबटूर का आतंकी, घर से मिला 75 kg विस्फोटक, 5 साथी पकड़े गए, अब एनआईए करेगी जांच। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी झंडा घर पर फहराया, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने उतारा, बीजेपी ने थाने में दिया धरना। गहलोत बोले, राहुल ही मोदी को दे सकते हैं चुनौती, कहा आखिर तक मनाने का प्रयास किया, अब खड़गे को कामयाब करना जिम्मेदारी। गृह मंत्री के सामने नच की जाएगी 40,000 किलोग्राम ड्रग्स, गांधीनगर में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अमित शाह की बैठक, कई राज्यों के सीएम होंगे मौजूद। सुनक की कैबिनेट का ऐलान, भारतीयों के खिलाफ बोलने वाली स्वेला दोबारा होम मिनिस्टर बनी, आज संसद में विपक्ष का सामना करेंगे ऋषि। कैनेडा में तिरंगे का अपमान, खालिस्तानी समर्थकों ने राष्ट्र ध्वज को पांवों से रौंदा, भारत विरोधी नारे भी लगाए। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया।